परोला को जिला बनाने को लेकर भाजपा देहरादून जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुनीता नोटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा मांग पत्र। मांग पत्र में कहा गया है कि जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जो कि दो भागों में बंटा है। जिला मुख्यालय और आसपास का क्षेत्र गंगा घाटी और दूसरा क्षेत्र यमुना घाटी, जो कि रवाई घाटी के नाम से प्रचलित है। रवाई घाटी के लोगों के लिए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय 250 से 400 किलोमीटर दूर है, जिससे गरीब लोगों को जिला मुख्यालय तक आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुनीता नोटियाल ने कहा कि विगत 20 वर्षों से रवाई घाटी के लोग परोला को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। जनता की मांग को देखते हुए सरकार को शीघ्र परोला जिले का गठन करना चाहिए। वहीं परोला में रवाई घाटी संयुक्त जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश डबराल ने सुनीता नोटियाल का धन्यवाद जताते हुए कहा कि ये वो पहली भाजपा नेत्री हैं जिन्होंने परोला जिले की मांग उठाई है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। पहली बार परोला की जिले की मांग को लेकर के जो सुनीता नोटियाल जो हमारी बड़ी बहन हैं जो देहरादून में, उन्होंने आज परोला जिले की मांग को लेकर जो ज्ञापन दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। पहली बार किसी भाजपा नेता ने अपनी सरकार को ज्ञापन दिया कि हमारा जो विकासखंड परोला है वहाँ पर जिला बनना चाहिए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं इनका आभारी हूँ। और जहाँ बहन जी को मेरा अनुरोध है कि जहाँ मेरी आवश्यकता है मैं आपके साथ हूँ। और इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।